नमस्कार आपण देखुछन्ती आपणको गाँ आपणको खबर कोरोना काल रे अर्थ बाधक तेणु हाथ खोली खर्च करिबा कष्ट एपरिकि राज्य को केन्द्रीय योजना अर्थ मिलिबा नै अनिश्चितता तेणु देखि चाहि खर्च करिबाकु निर्देश दैछि अर्थ विभाग विशेषज्ञक कहिबा हला उभयक आर्थिक स्थिति ढिला तेणु आगुआ पदक्षेप नैछन्ती राज्य सरकार हेले बीजेपी कहिछि अर्थ को आळ करि विकास रे ब्रेक न लगांतु सरकार तबे बीजेडी कहिछि कार्य अधापंतरिया न रखिबा पई सरकार को निष्पत्ति भलो सबु क्षेत्र उपरे कोरोना माड़ तबे किपरी हेबो योजना कार्यकारी देखि चाहि खर्च करबाकु कहिला अर्थ विभाग जरूरी अर्थ खर्च पई नेबाकु हेबो अनुमति राज्यर आर्थिक स्थिति को दुर्बल कर देछि कोरोना भाइरस विभिन्न क्षेत्र रे खर्च काट छाट करा जाउथिबा बेले केन्द्रीय योजना और केन्द्र प्रवर्तित योजना कार्यकारी नहीं देखाई अनिश्चितता तेणु केन्द्रीय योजन टंका न मिलवा जाए खर्च नक सबु विभाग मुख्य चिठी लिखिंट अर्थ सचिव केन्द्रीय योजन अर्थ आसी ना ना से नहीं सुनिश्चित करने गाइडलाइन मानवा चालू रही योजनापी जरूरी अर्थ आवश्यक पड़े विभाग अनुमति ने निर्देश रही तेणु लोकाभिमुखी योजनार कार्यकारिता नहीं एबे प्रश्न उठी सेपटे विशेषज्ञ कहते वर्ष शेष को केन्द्रीय अनुदान मिलता है राज्य पूर्वर खर्च करने अर्थ आसवा पर यह मैनेज करा जाए हेले उभय सरकार आर्थिक समस्या दे गति करेणु अनुदान अनिश्चितता को देखी एपरी निष्पत्ति सरकार सेंट्रली सेंट्रल स्कीम रे एवं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रे राज्य सरकार निजे खर्च करती परवर्त काल रिएम्बर्स कराए वर्ष शेष बेलू से रिएम्बर्स होता है किंतु वर्तमान आजिका दिन में जो ये सर्कुलर वर्तमान सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सब प्राय राज्य बंद हो राज्य एवं 28 केन्द्रीय योजना चालू रही जहाँकि केन्द्र और राज्यर 60-40 अनुपात चली पूर्वर अनेक योजना बंद होगा नहीं केन्द्र को राज्य समालोचना करथिबा बेले एवं चालू रही योजना को नहीं अनिश्चितता हेले बीजेपी कहिछि पूर्वरु सरकार अर्थ खर्च करिपारिनाहंती कि यूसी दे पारिनाहंती केन्द्रीय अर्थ जेमिति आसिबा कथा आसिबो एहाकु आळ करि राज्यर विकास रे रोक न लगांतु सरकार हेले बीजेडी कहिछि अर्थ मिलिबा नै अनिश्चितता रहिछि से दृष्टिरु कार्य अधापंतरिया रखिबा बदलरे सरकार सुचिंतित निष्पत्ति नैछंती जो अर्थ आसुचि ताकु तमे विनियोग करिपर्न जो अर्थर विनियोग होबा कथा ताकु तमे कहब जे से पैसा आसला पर आम पाक आम विनियोग करूँ एभलिया जो छका पंजा खेलें बास्तव में ओडिशा प्रदेश रो विकास हबो नाही जेतिक चूना से अनुसार पिठा तैयारी करिवो पड़िवो आमे घोर आर्थिक नियंत्रण भितर गति कर न जीवा ओवरड्राफ्ट पड़ को ठेली न होई जीवा ये सब कथा को आखि आगे रखी राज्य सरकार अर्थ विभाग से माने ये सब पदक्षेप नाइ बाध्य कोरोना काल रे अर्थ बाधक तेणु राज्य रे 14 गुरुत्वपूर्ण विभाग योजन अर्थ खर्च नहीं दुई दिन धरी समीक्षा करे उन्नयन कमिशनर भुवनेश्वर कैमरामैन प्रशांत पात्र अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया पेंशन देउची ऋण कोरोना लॉकडाउन समय रे कोनोसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी महिला स्वयं सहायक गोष्ठी ऋण आदाय करिपारिबे नाही बोली सुप्रीम कोर्ट को निर्देश रही हेले यार व्यतिक्रम देखा मिलूछि बलांगीर जिले में विभिन्न महिला स्वयं सहायक गोष्ठी विभिन्न माइक्रो फाइनेंस कंपनी ठू नहीं ऋण किंतु लॉकडाउन पई सेमानको काम सह रोजगार भी बंद हो गला एबे घरोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी रो कर्मचारी घर को घर बुली ऋण आदाय करबाकु धमक चमक देउछंती जहां प्रतिवाद करी महिला स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्य उपजिलापाल वीडियो को भेटिछंती सबडे समस्या को नहीं राजरास्ता कोल्हाइछि महिला कांग्रेस कमिटी मंगलवार महिला कांग्रेस कमिटी पक्षरु जिलापाल कार्यालय आगे विक्षोभ प्रदर्शन करा जायथिला माइक्रो फाइनेंस बहुत हैरान कर माँ बहन के पूरा मिसबिहेव देखी गाली भी दौन आ माँ मैंने नहीं कमा लेके आज हेती सब फाइनेंस वाले माँ मैंने आईचु आम ऋण छाड़ो ना छ मास टाइम दो माइक्रो फाइनेंस रो जिनिसटा जन होचे सेटा मते बहुत खराब लगला आम समस्त माँ मैंने एकजुट होकर आज का से मेकर एक स्टेप नहीं छूँ जो सब माइक्रो फाइनेंस रो एसएचजी ग्रुप रो सब ऋण के सरकार ठाने आम दाबी जनाऊ समस्त ऋण आईटा छाड़ हो नहीं आम तो नेलु आम आम एलडीएम तथा बैंकर मान संग कथु केते जन फॉर्मल सेक्टर नहीं कि आम सब अनुरोध करुँ जो आप बैंकिंग
आ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मानंगुटे ऋण ग्रहण करो। मानदी गर्भरे पुरातन मंदिर ठाबो परे नयागढ़ जिला प्रशासन पक्षरु तत्परता प्रकाश। भापुर ब्लॉक पद्मावती गांव निकटस्थ महानदी पानी भितरे थिबा मंदिरर स्थिति अनुध्यान करिछंती जिल्लापाल पोमा टुडु। प्रशासन अन्य अधिकारी मानक सह जिल्लापाल आज डंगा जोगे मंदिर को जाई देखिछंती। एथिस पद्मावती गांव लोकंक सह आलोचना करिछंती। खूब शीघ्र यार तदंत पई सरकार को रिपोर्ट प्रदान करा जीवो बोली जिल्लापाल कहिछंती। महानदी रे पानी कमिबा परे एही पुरातन मंदिर रो चूड़ा देखा जाईथिला। यहा को स्थानीय लोके गोपीनाथ मंदिर बोली कहिथिले। सेटा मुझे आज बुलिकी देखिली। निश्चय यार करेस्पंडेन्स आम गवर्नमेंट को भी करूँ। गवर्नमेंट अलरेडी इट हाज अच्छी या सहित यार आखपाखर नेचुरल ब्यूटी भी बहुत बढ़िया जगटा एटा जेहेतु महानदी कूल अच्छी। इट कैन भी डेवलप्ड एज अ वेरी ब्यूटिफुल टूरीजम सैट। तो यार प्रपोजल करके आम निश्चय टूरीजम डिपार्टमेंट को पठेबू कि भविष्य में यह एरिया केमी आम डेवलप। नाबालक बड़ कारनामा नेता अधिकारी फेक आकाउंट खोली आदाय करूला मोटा अकर टंका। से टंकारे दामी गाड़ी किणी चढ़ीबा सह बिलासरे रहुथिला। हेले शेषरे उदितनगर पुलिस हातरे धरा पड़िला अभियुक्त नाबालक। राउरकेला एसपी नाँ फेक आकाउंट खोली लोकों ठारु मोटा अंकर अर्थ मागुथिबा अभियोगरे जणे नाबालक को गिरफ करा जायछि। संप्रक्त नाबालक को उदितनगर पुलिस गिरफ करिबा सह मोबाइल जबत करि खोलताड़ करुछि। पूर्वरु नाबालक जणक संबलपुर जिल्लापाल शुभम सक्सेना, संबलपुर एसपी विशाल कंवर सिंह, संबलपुर विधायक जयनारायण मिश्र नाँ से भी फेक आकाउंट खोली विभिन्न व्यक्ति विशेष टंका आदाय कर बोलांगीर पुलिस तुमको कहीं लगे जेल पठे थी कार आनी बोल निशान मैग्रा किए आनी मो नारे थी गाड़ी तुम नारे थी तो कमी तुम जो तुम नारे गाड़ी थी आरटीओ ऑफिस जा कागज पत्र काम कर शोरूम भी देखी नहीं। निशाशक्त अवस्था हिताहित ज्ञान भूलिला बापा। निज परिवार और संपर्कियों को खाद्य विष दे हत्या उद्यम करिछि मालकानगिरी जिला माथिली ब्लॉक कालिया नायकगुड़ा गांव नरसिंह माझी। विषमिशा भात खाई परिवार पांच जन सदस्य गुरुतर होती। माथिली पुलिस घटनार तदंत करुछि। निर्दय बापार निर्मम कांड। निशाशक्त अवस्था परिवार लोकों खाद्य विष मिसाइला बापा। समस्त को उद्धार कराजाई डाक्तरखाना भर्ती कराई। एभली अभावनीय घटना घटी मालकानगिरी जिला माथिली डुंगियापुट ग्राम पंचायत कालिया नायकगुड़ा गाँव में। माथिली पुलिस घटनार करुछि तदंत। खाद्य कौन विष पड़ला ना कौन एमती खाद्य विषाक्त होता है आम जापरल ना से खाईलु विष दे कि जना पड़ना मात्र आमर बापा दे कहते मात्र से पकड़ बल जना पड़े ना मात्र से का फीला आम पाँचटा बेले लगा लगे उठिगला से उठिगला पे मुझे बात बाड़ी केड़े बेले आसी से पकड़ला किए पकड़ला कि देख ला बात फसे काट ला बात काट रहा के देखी तानी बोल देख ला बेले कालिया बात। सोमवार राति रे मद निशारे चूर होई परिवार लोकों सह झगड़ा करथिला नरसिंह माझी। परिवार लोके खाइबा पूर्वरु खाद्य रे विष मिसाइथिला नरसिंह। सेही खाद्य खाई स्त्री पूर्णा, पुओ वासुदेव, भणजा बंधु नायक एवं दुई झियो सुमित्रा ओ गौरी को अवस्था गुरुतर होइथिला। माथिरी डाक्तरखाना रे समस्ते चिकित्सित होउछंती। असुस्थक अवस्था एबे भल थिबा डाक्तर कहिछंती। जहाँ आम जानक विषर परिमाण में भी कम अच्छी किसी एफेक्टेड है वर्तमान समस्ते सुस्थ अच्छा आम प्रोसीजर अनुसार आम गैस्ट्रिक लैबेज कलु जोड़ा स्टोमाक वाश करी विषटा को बाहर कलु आउ बाकी समस्त ठीक अच्छा। जन्मदाता हो मृत्युर तांडव रचिला बापा। निज पर पांच पांच जन को खाइबार विष दे कर मार उद्यम मानविकतार सबु लीमा को से कर उल्लंघन हेल्ले सबू सुस्थ तेबे काहेकि एभली अमानुषीय कांड घटाइथिला जन्मदाता बापा ता एबे भी प्रश्नवाजी सृष्टि करछि। मालकानगिरी माथिलरु महेंद्र पाणिग्रे न्यूज 18 ओडिया। आपण गराव किछि खबर उपरे नजर पकाइबा किंतु समय बुलेटिन रे एक ब्रेक रो। ब्रेक परे स्वागत। कटक बांकी मझी जातमुंडिया सेतुरु महानदी को डेइथिबा युवतीक मृतदेह उद्धार।
युवती खोजा को अग्निशम बाहन पक्ष चली सर्च अपरेसन युवती जनक ब्रिज्रु आत्महत्या उद्यम कर प्रत्यक्षदर्शी लोकों कहवा अनुजाई आज अपराह हठात जड़े युवती फोन में कथा जातमुंडिया ब्रिज उपर महानदी भरक पड़ते खबर पाई डंपड़ा अग्निशम कर्मचारी और सुवर्णपुर फांडी अधिकारी घटनास्थल में पहुंची बहु खोजाखोजी पर युवती मृतदेह उद्धार कर गोवर्धन मठ में विज्ञान संगोष्ठी विज्ञान परिभाषा उद्देश्य प्रभेद वैज्ञानिक उद्देश्य भली आठटी प्रसंग उपरे हेउची आलोचना विशेषकर सूर्य चंद्र और पृथ्वी दूरता को आकलन करने व्यवहृत हो वैदिक गणित उपरे दिया जाएगी गुरुत्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया देश विदेश वैज्ञानिकों चली भाव विनिमय सूर्य चंद्र और पृथ्वी दूरता आकलन रे वैदिक गणितर सूत्र विज्ञान उत्पत्ति में वैदिक गणितर भूमिका यार उपयोग कर चंद्रायन में सफलता लाभ करो वैज्ञानिक प्राचीन गणितर विशालता और प्रासंगिकता को नहीं पूरी में आयोजित होज्ञान संगोष्ठी वैदिक गणित और वेदांतर उपयोगिता उपरे पूरी गोवर्धन पीठ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया चली मत विनिमय यहस आयुर्वेदिक प्रणाली में महामारी कोरोनारु बर्तिबार बाट देखा जगद्गुरु शंकराचार्य निम्बपत्र तेजपत्र अदा अमृतभंडा पत्र जष्टी मधु हलदी और घी में प्रस्तुत काढ़ार नियमित सेवन उपरे जगद्गुरु देखते गुरुत्व जितने वैज्ञानिक अब तक भाव व्यक्त कर चुके हैं सब के सब भगवान के भक्त हैं और वेदादि शास्त्रों में स्थान्वित हैं और ये मान रहे हैं कि अगर विज्ञान को सही दिशा देने की भावना है और हमको बहुत सा आविष्कार और करना अनुसंधान करना है। विज्ञान परिभाषा उद्देश्य प्रभेद भली आठटी प्रसंग उपरे हेउची विस्तृत आलोचना परिवेश संतुलन अभाव तथा विकास नाम प्रकृतिर विनाश चलू विपद सृष्टि होली मत प्रकाश पाई वेद शास्त्र और उपनिषद आज भी निजर गुरुत्व बजाय रखी संस्कृत में रचित विभिन्न शास्त्र गुरुत्व को अनुशीलन कर जगद्गुरु यजुर्वेद में पाई का मान है नारद पुराण में पाई का मान है अग्नि पुराण आदि में पाई का मान है सारे ज्ञान विज्ञान पाश्चात्य जगत ने हमारा अपहरण किया उनके नाम पर हम लट्टू हो गए और अपने ज्ञान विज्ञान पर हमारा ध्यान नहीं गया और स्वतंत्र भारत में तो शिक्षा की पद्धति ऐसी बना दी गई है कि हम अपने सनातन ग्रंथों से लाभान्वित हो ही नहीं सकते। पांच दिन धरी चलिबा कुथिबा ई सम्मेलन रे प्राचीन परंपरा और यार प्रासंगिकता और जातीय प्रगति उपरे दिया जाइछि गुरुत्व पुरीरु कैमरामैन अवनेन्द्र मिश्रंक सह अक्षय मिश्र न्यूज एटीन ओडिया। लॉकडाउन बेले छात्रीों परिवार पोषण चिंता कॉलेज रे पाठ पढ़ा सांग को नारी सशक्तिकरण और निजे स्वावलंबी होगा अंटा भिड़ी युक्त तीन छात्री ऑटो चलाई पर उपकार करने पर प्रतिपोषण बरगढ़ जिला घेस गांव रश्मिरेखा बाघ देखा न्यूज एटीन ओडिया रो विशेष रिपोर्ट। कोरोना बेले परिवार और समाज सेवा चिंता हाथ में खाता कलम धरिबा बदल चलाउछंती ऑटो कॉलेज रे पाठ पढ़ा सांग को नारी सशक्तिकरण और निजे स्वावलंबी होगापाई अंटा भिड़ी बरगढ़ जिला सोहेला ब्लॉक घेस गांव जन्मजय बाघों झी रश्मिरेखा बाघ ऑटो चलाई चारि भाई भौणी पाठपढ़ा खर्च बहन करुछंती रश्मि खेबार पेपर तो हमर ठीक ही आसे लेकिन आम जिन पढ़ा पढ़ी करुचु से पैसा पथर से मैं बापा के कहली कि मत ऑटो सीख मुई ऑटो ताकर हेल्प करवा लगे मुझे ऑटो चल रही टेलरिंग कर सुविधा असुविधा देखिकी मत बहुत साहय कर ऑटो नहीं कर जगह मानक छाड़ देसी हाँ ये से तार प्लस थ्री फाइनाल इयर मत बहुत बहुत खुशी लगसी खरा हेउ कि वर्षा राति हेउ कि दिन रोगी हुवंतु बा यात्री जहार जेतेबेले दरकार ऑटो नहीं घर बाहरी जानती रश्मि केबे कहारी ठारु ऑटो भड़ा डिमांड करी नहंती जिए जहा देला सेथिरे खुशी हुवंती रश्मि जनरली गाँ गोली रे झियो मानकु डिस्क्रिमिनेट करसो जिकरी किंतु घेस गारे एउटा उदाहरण है
ପାଲି ପାଣିରେ ଲୋକ ବି ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଫରକ ନାହିଁ ନା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଅଟୋ ଚାଲିଛି ତାର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ରଶ୍ମିଙ୍କ ଏଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଘେନ୍ସରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝିଣ୍ଟିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପଙ୍ଗପାଳ ଆତଙ୍କ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋକ ଓ ଝିଣ୍ଟିକା କୌଣସି ଚାଷ ଜମିରେ ଦେଖା ଦେଇନଥିଲେ ବି ଚାଷୀମାନେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିଛନ୍ତି ଭାବି ଫସଲର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣା କଟକ ପଞ୍ଚାୟତ ମଣିପୁର ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଝିଣ୍ଟିକା ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ଖାଇଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକର ବାଉଁଶୁଣୀ ବଘିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଶାଳ ଗଛର ପତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋକ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ପତ୍ର ସବୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ଝିଣ୍ଟିକା ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଙ୍ଗପାଳ ତ ଆସିକିନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ଦେଖି ଯାଉଛି, କେତେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉନି। ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିଲେ ସବୁ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଚାଷବାସ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। କିଛି ଝିଣ୍ଟିକା ମାନେ ବୌଦ୍ଧରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ହଳଦିଆ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର ଝିଣ୍ଟିକା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମେଞ୍ଚା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେମାନେ କିଛି କ୍ଷତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଫସଲକୁ। ଫସଲ ଏବେ ପନିପରିବା ଫସଲ ବି ଅଛି ଜମିରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପନିପରିବା ଫସଲକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରେ ବାଘ ଛାଲ ବେପାର ମାମଲାରେ ବାଉଁଶଗଡ଼ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ନାୟକକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ବନ ବିଭାଗ। ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହରେ ଭାସ୍କର ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଶିକାରୀ ବେପାରୀ ଡିଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବେପାରୀ ସହ ଶିକାରୀର ମୂଲଚାଲ ଚାଲିଥିଲା। କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବାଘ ଶିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ କୌଣସି ବେପାରୀ ସହ ଡିଲ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେଉଁ ଛାଲ ଭଲ ଓ କେଉଁ ଛାଲ ଖରାପ ସେ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଶନିବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ତାଠୁ ଦୁଇଟି ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଚାରିଟି ବାଘ ଛାଲ ଏବଂ ଦୁଇଟି ହରିଣ ଛାଲ ଜବତ କରିସାରିଲେଣି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବାଘ ଶିକାରୀ ଓ ଛାଲ କାରବାର ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ମିଡିଲ୍ମ୍ୟାନ୍ ଓ ଜଣେ ଶିକାରୀକୁ ବି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଗତ 6 ତାରିଖରୁ କେରଳରୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାସ୍କର ନାୟକ, ତାଙ୍କର ବୟସ 50 ବର୍ଷ ହେବ। ସେ ବନ୍ଧୁ ଗତ 6 ତାରିଖରୁ ଆମର ଏଇ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦେଲେ, ରିଟର୍ନ ଦେଲେ। ଆମେ ଆମର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ଦେବେ, କି ଲେଖିକି ଦେଲା ପରେ ନେଇପାରନ୍ତି। କରୋନା କାଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ। ଏନେଇ ଆଜି ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତରଫରୁ ପୀଠର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ମାତୃପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଆଦିତ୍ୟ ଯୁବ ବାହିନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଠଗଡ଼। ସେଠାରେ ଆରାଧ୍ୟ ଅଟାଳୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସପ୍ତାହର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ଚିନି, ଛତୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ। ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମେ ଚଲେଇଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ସେବାୟତ, କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଷ୍ଟ ସମୟରେ, କରୋନାର ଏହି ତାଣ୍ଡବ ସମୟରେ, ବିଭୀଷିକା ସମୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଭୈରୋ ଗାଁରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମହିଳା। 3 ବର୍ଷ ହେବ ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ ନିଲାମ ଆଣି ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ରୋହି, ଭାକୁର, ମିରିକଳି ଭଳି ମାଛ ଝାଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ମାଛ ଚାଷରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି 9,760 ଟଙ୍କାରେ 40,000 ଝାଳ ଛାଡିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାଛ ଚାଷରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭୈରୋ ଗାଁର ଏହି ସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମହିଳା।
ଆରୁ ଆମେ 3 ବରଷ ହେଲାନ ଇଟା ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ବନ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆର୍ 3 ବରଷ ହେଲାନ ଇଟା ଇଥର 3 ବରଷ ହେବା ଆରୁ ସେଥିରୁ ଅନୁମତି ଆମେ ଇଟା ହେଉଛୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ବନ ମହନଗିରି କଣ୍ଟା ଆଉ ସେନୁ ମାଛ ଛାଡ଼ିଛୁ 3 ବରଷ ହେଲାନ ଏଇଟା 3 ବରଷ ପୁରିଲା ବିକିକରି ଛୁଆ ପିଲାକୁ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇକରି ଆମେ ଆଗକେ ଯାଇଛୁଁ ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆଉ ୱାଇଡେନ୍ ହେବ ଆଉ ଯେମିତି ଆଉ ବେଶୀ ଟର୍ନ ଓଭରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ଯେମିତି ମାଛ ଚାଷ ହେଇଗଲା କି ଧାନ କିଣିବାଟା ହେଇଗଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଯେମାନେ କେପେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ କିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରିବେ ସମସ୍ତ ରିଷି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com ନମସ୍କାର।